हाय फ्रेंड, वेलकम टू चैनल राम नॉलेज पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो अपडेट है वो IDBI बैंक में वैकेंसी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें क्योंकि सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो इस IDBI बैंक में जो ये वैकेंसी है वो बड़ी वैकेंसी है, कुल इसमें 1000 पोस्ट लगभग हैं और पोस्ट का नाम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है ये आवेदन निकला हुआ है। तो फॉर्म को भरने का जो डेट है वो आप 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है अपडेट है, तो आप सभी इस बात को ध्यान रखें और अपना जो फॉर्म है अच्छे से भर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो है ग्रेजुएशन पास जो भी हैं लोग 55% मार्क के साथ, वो सभी इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो इसके एग्जाम में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के कुल 150 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और 1.5 घंटे का जो है आपको समय दिया जाएगा। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही अच्छा है, आप IDBI बैंक में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं और अच्छा खासा जो है अपना जो जॉब का प्रोसेस है वो पा सकते हैं। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें और फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें। और अगर सब जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 3 साल का इसमें जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो इसमें 3 साल के ट्रेनिंग में आपको पहले साल में कुल जो है 29,000 रुपये जो है आपको दिए जाएंगे और दूसरे साल में जो है 32,000 और तीसरे साल में जो है आपको कुल 34,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। तो ये जो IDBI बैंक में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी लोग बैंक की तैयारी करते हैं। तो आशा करता हूँ जो अपडेट है आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोग फॉर्म को जो है जल्द से जल्द भरने की कृपा करें और अपना जो बैंकिंग का जॉब का तैयारी है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ अपडेट आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और ऐसे ही नए लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल राम नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट जो अपडेट है आपको समय समय पर मैसेज के थ्रू मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं लाल कंकुर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।